Welcome class. I hope you will be fine. I am teacher of Junior Campus High School. Today our lecture is from class 5, Creative Science, chapter number 2. Chapter number 2, which is Lifestyle of Animals. In this lecture, we will study about the movement in animals. जैसे कि हमने एनिमल्स के लाइफस्टाइल के लिए जो भी हैबिट्स हैं, जो भी उनकी आदत हैं, जिनमें मैंने आपको बॉडी कवरिंग का, ब्रीथिंग का एक्सप्लेन किया था, अब जो है वो एनिमल्स के अंदर एक और हैबिट होती है उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जो कि मूवमेंट इन एनिमल्स है. मूवमेंट इन एनिमल्स का मतलब क्या है कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं. एनिमल्स को बताते हैं खुद जो है एक जानदार को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, और उसके अलावा उसकी बॉडी के इनसाइड यानी इंटरनली भी उसके अंदर उसके जो है हैंड मूव कर रहे हैं या उसकी जो है वो लेग्स मूव कर रहे हैं. तो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है एनिमल्स में, वो इसलिए कि मूवमेंट एक तो वो फाइंड एनिमल को क्या चाहिए होती है अपनी खुराक, इसलिए टू फाइंड फूड एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. जैसे कोई भी जैसे लॉयन है वो किसी भी अपने शिकार के लिए या छोटे जानवर को तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, मीन्स टू फाइंड फूड जो है एनिमल मूव करता है. सेकेंडली अगर एनिमल्स को किसी दूसरे एनिमीज से खतरा है या किसी बड़े जानवर से खतरा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा. थर्ड जो है वो अपने शेल्टर के लिए, शेल्टर का मतलब क्या है अपने पनाह के लिए या अपनी जो है वो घर के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा. मे बी वो जिस जगह पे रह रहा हो वहाँ पे सूटेबल कंडीशन ना हो तो वो मूव करके दूसरी जगह पे अपना शेल्टर क्रिएट कर ले. इट मीन्स कि मूवमेंट के लिए हमें जो है एनिमल्स की मूवमेंट के लिए जो है वो हमें हर एनिमल को डिफरेंटली डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें हम लैंड एनिमल्स को, वाटर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल को डिस्कस करेंगे कि हर एनिमल्स में मूव करने का तरीकाकार और जो है मूवमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है. फर्स्टली हम लैंड एनिमल्स को डिस्कस करेंगे. लैंड एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, फोर लिम्स होते हैं. लिम्स मीन लेग्स, यानी चार उनके जो है वो बाजू समझ लें या लेग्स समझ लें. फोर लिम्स टू मूव का मतलब क्या है कि अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप काउ को देखते हो, गोट को देखते हो या हॉर्स को, तो ये अपने चारों जो लिम्स हैं, दो आगे वाले और दो पीछे वाले, चारों लिम्स को यूज़ करती हैं मूवमेंट के लिए. सेकेंडली जो आगे वाले दो जो लिम्स होते हैं फ्रंट पे होते हैं या अपर पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर लिम्स. सेकेंड जो नीचे वाले दो लिम्स होते हैं, इन चार लिम्स में जो नीचे वाले दो लिम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइंड लिम्स. मीन्स के जो हमारे बाजू हैं वो फोर लिम्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, फ्रंट वाले, अपर वाले और जो लोअर वाले लेग्स हैं वो हाइंड लिम्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं. लेकिन जो मवेशी हैं वो अपने चारों लिम्स जो हैं वो एज ए मूवमेंट के लिए, एज ए लेग्स के तौर पे यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए. लेकिन इंसान जो है वो जस्ट अपने हाइंड लिम्स को मूवमेंट के लिए यूज़ करता है. सो लैंड एनिमल्स में मूवमेंट का तरीका किसके किसके थ्रू होता है, लिम्स के थ्रू, मीन्स लेग्स के थ्रू या बाजुओं के थ्रू. जैसे कि मवेशी में चारों लिम्स, बाजू भी और टांगे दोनों ही मूवमेंट के लिए हेल्प आउट कर देती हैं. अब वहाँ वाटर के जो एनिमल्स हैं उनमें देखेंगे कि मूवमेंट का प्रोसेस क्या है. वाटर में फॉर एग्जांपल फिश सबसे पहले आपके माइंड में आती है कि वाटर में जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती है. फिश जो है, फिश के जो आगे जो है वो छोटे छोटे फिन्स लगे होती है, जिस तरह चप्पू होते हैं ना वो बोट को रन करने के लिए, उस तरह के फिन्स होते हैं. ठीक है, ये एक मस्कुलर जो है ना वो बैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फिश जो है वो वाटर में मूव करती है यानी स्विम करती है, एक जगह से दूसरी जगह स्विम करती है. सेकेंडली उनकी बॉडी के ऊपर अनपेयर फिन्स भी होते हैं. पेयर फिन का मतलब क्या है, जो राइट साइड पर फिन्स होते हैं उतने ही लेफ्ट साइड पर भी फिन मौजूद हो. बट अनपेयर फिन्स का मतलब क्या है कि अनपेयर फिन्स जो इनडायरेक्टली जो है वो इनप्रॉपर वे में जो है वो बॉडी के ऊपर स्प्रेड हुए होते हैं, वो जस्ट बैलेंस का हेल्प आउट करती हैं, वो स्विमिंग में हेल्प नहीं करते बल्कि बॉडी के बैलेंस में हेल्प आउट करते हैं. थर्ड जो फिन है वो टेल का फिन है जो कि उसकी वाटर के एनिमल्स की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट मूवमेंट इन एनिमल्स हम इंसेक्ट्स में देखेंगे. इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स. हम जानते हैं कि हर जो हशरात हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी सिक्स लेग्स हैं. सिक्स लेग्स जो हैं वो क्या करती हैं, उनको लैंड पर मूव करने में हेल्प आउट करती हैं. बट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो वाटर में भी मूव कर सकते हैं.
वाटर में स्विम करता है, बट इसकी इसके अंदर कोई फिन या कोई जो है मूवमेंट वाले स्विमिंग के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, ये अपनी लेग्स के थ्रू ही पानी में स्विम करता है। जो लेग्स जो है वो लैंड पे जो है वो मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करती हैं, वही लेग्स पानी में स्विमिंग के लिए हेल्प आउट करती हैं, यानी तैरने के लिए पानी में काम आती हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर कोई बोन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है। आपने देखा होगा कि कीड़े मकोड़े जैसा एक कीड़ी है उसके अंदर कोई बोन, कोई हड्डी या कोई जो है मसल्स आपको नज़र नहीं आएगा या फील नहीं होगा। वो जस्ट अपनी टाइनी लेग्स, जो स्मॉल छोटी लेग्स हैं, उनके ज़रिए ही मूव करते हैं, और उनके ऊपर छोटे छोटे पर जैसा परिंदों के पर वैसे के नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे जो है वो टाइनी स्केल लाइक विंग्स होते हैं जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उड़ने में मदद देते हैं। सो इंसेक्ट्स मूव किस तरह से करते हैं, लेग्स के थ्रू मूव भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, और विंग्स के थ्रू थोड़ा बहुत उड़ भी सकते हैं। फोर्थ जो है हमारे एनिमल्स जिनमें जो है वो मूवमेंट इन एनिमल्स में हम डिस्कस करेंगे, वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऐसे जानवर होते हैं जो के पानी, जो के रींगने वाले जानवर होते हैं, जो ज़मीन पर रींगते भी हैं और पानी में स्विम भी कर सकते हैं। इनके अंदर आपने अगर स्नेक देखा हो तो उसके अंदर आपको कोई भी लिम्स नज़र नहीं आएंगे, मीन्स कोई बाजू कोई टांगे नज़र नहीं आएंगी, उनके शॉर्ट लिम्स होते हैं, नीचे की साइड पर होते हैं कुछ रेप्टाइल्स में। जैसे क्रोकोडाइल है उसकी फुल बॉडी है बट उसके लिम्स जो है उसकी टांगे और बाजू जो है वो शॉर्ट छोटे होते हैं। इट मीन्स के शॉर्ट लिम्स हैं, वो इन्हें हेल्प आउट किसके लिए करते हैं, क्रॉलिंग में हेल्प आउट करते हैं, ज़मीन पर भी और पानी में थोड़ा बहुत वो स्विम कर सकते हैं। बट स्नेक जो है वो ऐसा रेप्टाइल है जिसकी कोई लेग्स नहीं है, मीन लेगलेस रेप्टाइल है जो मूवमेंट के लिए सिर्फ जस्ट तैरता है, वो स्विमिंग करता है या रींगता है, लेकिन चलता नहीं है। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जिनकी टांगे हैं उनकी टांगे शॉर्ट हैं, जैसे क्रोकोडाइल है या टर्टल वगैरह, ये शॉर्ट लेग्स वाले रेप्टाइल्स हैं। फिफ्थ में हम बर्ड्स में देखेंगे मूवमेंट के प्रोसेस को कि वो कैसे मूव करते हैं। बर्ड्स में आपने देखा होगा कि जो है उनके फीडर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उनके पर होते हैं। अब उनके पर जो आगे वाले मैंने आपको बताया ना कि मूवमेंट के लिए चार लिम्स की ज़रूरत होती है, तो जो उनके आगे वाले दो लिम्स होते हैं, आगे वाले जो दो बाजू हैं जिन्हें हम फोर लिम्स कह रहे हैं, वो विंग्स के तौर पे एक्ट करते हैं। वो विंग्स यानी उनके परों में तब्दील हो जाते हैं, और जो नीचे उनकी दो टांगें होती हैं वो हाइंड लिम्स के तौर पे एक्ट करती हैं। ये जो आगे वाले फोर लिम्स हैं वो उन्हें उड़ने में मदद देते हैं और वो परों की तरह एक्ट करते हैं, जबकि जो पीछे वाली दो टांगें हैं वो उन्हें ज़मीन पर चलने में, वॉक के लिए, और होप यानी फुदकने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या ट्री पर चढ़ने के लिए हेल्प आउट करती हैं। मीन्स बर्ड्स में भी चारों लिम्स हैं लेकिन फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीडर्स बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइफस्टाइल की जो हैबिट है जो एनिमल्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं, एनिमल्स में जो चेंजेस आती हैं उनके लाइफस्टाइल में, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब एनिमल्स को माइग्रेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, एनिमल क्यों एक एनवायरनमेंट से या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं? अगर एनिमल जिस जगह पे रह रहा है उसे जो है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट, विंट्री एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो गया और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्ड है वो ट्री पे रह रहा है एक जगह पे किसी कोल्ड रीजन में, और जब वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उसके ट्रीज सारे जो है वो आइस से, बर्फ़ से ढक जाते हैं। अब परिंदा वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता उस ट्री पे, तो इसलिए वो कुछ देर के लिए सर्दियों के, अब परिंदा जो है वो अपनी फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए उस दरख्त से या उस जगह से जो है वो उस इलाके से दूसरे इलाके में चला जाएगा जहाँ पे सर्दी थोड़ी कम पड़ रही है। इट मीन्स कि वो माइग्रेट कर गया है ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एनवायरनमेंट उसके पुराने वाले इलाके में सर्दी जो है वो कम होना शुरू होगी या एनवायरनमेंट सूटेबल आना शुरू होगा तो वो दोबारा अपने इलाके में वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि एनिमल्स को मूव करना पड़ता है लार्ज डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर तक के इलाके में क्यों मूव करना पड़ता है? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, अपनी खुराक को तलाश करने के लिए एंड अपने शेल्टर, अपनी घर को, पनाह को तलाश करने के लिए। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बर्ड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो बर्ड्स को कैसे पता चलता है कि हमने ये वाले इलाके में जाना है या यहाँ इस इलाके में जो है सर्दी ज़्यादा पड़ी है, इस इलाके में नहीं जाना, तो दूसरा जहाँ पे थोड़ा हॉट एनवायरनमेंट है, थोड़ा सर्दी कम पड़ी है उस इलाके में जाना है?
उसके लिए बर्ड्स यूज करते हैं सी समुंदर की और जो हमारी हवा की एयर की करंट्स है, यानी एयर की जो हवा की मोजें हैं या समुंदर के जो पानी की मोजें हैं, लहरें हैं, उनको यूज करते हैं, उसकी डायरेक्शन को देखते हुए वो मूव आउट करते हैं ताकि वो क्लाइमेट की चेंजेस को भी समझ सकें और अपनी डायरेक्शन को भी समझ सकें। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन यानी जो साहिलों के गिर जितनी भी लहरें चल रही हैं उसको देखते हुए जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं। और कुछ जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। उनमें रणदीर है, यानी ये हिरन की तरह का एक जानवर है जो कि सूरज की शुआओं सन रेज़ को देखते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव करता है कि मैंने किस इलाके में जो मेरे लिए सूटेबल है अभी थोड़ी देर के लिए उधर पनाह लेनी है। माइग्रेशन में जो है थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो वो है साइबेरियन क्रेन की। साइबेरियन क्रेन जो है वो विंटर में पाकिस्तान में आ जाता है। विंटर जब यानी वो रहता किधर है, साइबेरिया में रहता है। साइबेरियन क्रेन जो है जैसे कि उसके नाम से जाहिर है साइबेरिया में रहता है। और साइबेरिया में जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है विंटर के सीज़न में तो वो पाकिस्तान में आ जाता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान यानी गर्मी थोड़ी सर्दी थोड़ी कम होना स्टार्ट होती है और समर सीज़न स्टार्ट होना शुरू होता है तो वो दोबारा से साइबेरिया में मूव आउट कर जाता है, यानी वो माइग्रेशन के लिए पाकिस्तान से मूव करता हुआ साइबेरिया चला जाता है समर में और फिर विंटर आने पे वो दोबारा पाकिस्तान में आ जाता है। अब ये तो हो गई बर्ड्स की बात। कुछ जो है वो फिश ऐसी हैं जो कि समुंदर में एक जगह से दरियाओं में मूव कर जाती हैं और फिर दरिया से वापस समुंदरों में आ जाती हैं। उनमें ईल जो बेसिकली ना दरिया में रहने वाली एक मछली है। ईल एक स्नेक की तरह की स्नेक लाइक जो है मछली है और ये रिवर में रहती है, दरिया में रहती है। जब इसे अंडे देने होते हैं तो वो सी में चली जाती है, दरिया से समुंदर में चली जाती है और वहाँ पर जाके ले करती है अपने एग्स को। अब एग ले करने के बाद जो उसकी पेरेंट ईल है, जो उसकी मदर या फादर मदर ईल है, वो डाई कर जाती है। पेरेंट ईल डाई कर जाती है और न्यू एग्स कहाँ पे है, सी के अंदर। वो उन एग्स में से न्यू बेबी हैश आउट होते हैं समुंदर के अंदर ही, लेकिन ये बेबी दोबारा जो है हैश होने के बाद बेबी में डेवलप होने के बाद दोबारा लीवर में आ जाते हैं जहाँ पे उसकी पेरेंट मदर थी। जो पेरेंट है पेरेंट मदर वो डाई कर चुकी है, लेकिन जो न्यू बेबी है वो माइग्रेट करके दोबारा उसी इलाके में आ गए जहाँ पे उनकी वो पेरेंट मदर थी। इट मीन्स कि फिशेज भी समुद्रों के अंदर माइग्रेशन का प्रोसेस करती हैं। उसके बाद जो है इंसेक्ट्स में अगर हम देखें तो लोकस जो है आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा टिड्डी टील का जो है वो खतरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्रॉप्स के लिए। लोकस्ट एक इंसेक्ट्स है, एक ऐसा जानवर है छोटा सा हशरात है जिस जो कि समर में माइग्रेट कर जाता है। जो समर जब जिस इलाकों में जो है वो गर्मी नहीं पड़ती वो गर्मी वाले इलाकों में आ जाता है, समर वाले कंडीशन में आ जाता है और वो क्या करता है हमारी क्रॉप्स को डैमेज करता है। सो ये भी माइग्रेशन के थ्रू ही इधर आया है पाकिस्तान में। उसके बाद कुछ जो है बर्ड्स ऐसे हैं मीन्स आर्कटिक टर्न्स जो समर में माइग्रेट करते हैं और ये कहाँ पे चले जाते हैं अंटार्कटिका में, यानी गर्मी ज़्यादा होने पे अंटार्कटिका में मूव कर जाते हैं और इन्हें हम जो है माइग्रेशन का चैम्पियन भी कहते हैं। सो आई होप कि आपको जो यूनिट नंबर 2 में ब्रीथिंग माइग्रेशन एंड जो है उसके अलावा आपको फीडिंग प्रोसेस जो एनिमल्स में उनके लाइफस्टाइल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।